आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली डेड लोड कंप्यूटेशंस और डेड लोड सुपरस्ट्रक्चर से, जैसे जैसे हम नीचे कंपोनेंट्स आएंगे, जैसे डर्ट वॉल आएगी, अप्रोच स्लैब आएगी, इन सब के वेट निकालेंगे। बट उससे पहले ना एक छोटे से जल्दी से चेक से हम डायमेंशन सही कर देते हैं। तो आपको यार ये दिख रहा होगा अभी स्प्रेडशीट पे ही कि हमने पहले 800 बाय 800, कहाँ गया पेडेस्टल, पेडेस्टल की डायमेंशन हमने 800 बाय 800 अज्यूम कर ली थी, क्योंकि हमने ये देखा था कि बेरिंग साइज में 150 150 ऑफसेट देके हमने पेडेस्टल 800 बाय 800 ले लिया था। लेकिन अगर आप यहाँ फोकस करते हो तो स्टेम की थिकनेस भी 800 ले रखी है, और इन दैट केस क्या होगा कि ये पेडेस्टल इतना बड़ा हो जाएगा पूरा ही यहाँ तक, तो जो कि सही चीज़ नहीं है। इधर हमें इसकी कैप की वेथ बढ़ानी पड़ेगी, या हम बेरिंग साइज, क्योंकि हम एक प्रोसीजर सीख रहे हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट जो अभी तक ये सारी लिंकिंग कर दी है वापस से हिल ना जाए। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बेरिंग का साइज 200 बाय 200 कंसिडर कर रहा हूँ, और इसमें अगर मैं 150 लेफ्ट 150 राइट ऐड करता हूँ तो टोटल पेडेस्टल का साइज हो जाएगा 500 बाय 500। तो मैं इसको यहाँ पे एनोटेट करने के साथ साथ लिख भी देता हूँ कि पेडेस्टल जो है, पेडेस्टल का साइज होने वाला है 500 प्लान में, एंड डेफिनेटली जो भी हमने मैक्सिमम थिकनेस निकाली थी 231.25, आई थिंक मैंने ऑलरेडी ये यहाँ लिंक कर रखी है पहले वाले स्प्रेडशीट, पहले वाली शीट में, तो 231 है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे पेडेस्टल की मैक्सिमम हाइट 231.25 और मिनिमम 150। और ये सब चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास अभी स्पेस नहीं है अबटमेंट कैप पे, अदरवाइज आप अबटमेंट की कैप भी बढ़ा सकते हो टॉप पे, तो वो भी एक ऑप्शन है इनकेस आपका अगर 500 बाय 500 की बेरिंग आती ही है, और वो तभी होगा जब आपका सुपरस्ट्रक्चर का स्पैन ज्यादा होगा, उस पर वर्टिकल लोड ज्यादा आएंगे। तो जस्ट टू लर्न दी प्रोसीजर और फ्लो चार्ट क्या होना चाहिए एक अबटमेंट डिजाइन में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको भी चेंज कर रहा हूँ, और इसको मैं 200 ले लेता हूँ। एक्सेल क्या वार्निंग दे रहा है, 0.2 0.2, तो आप देख रहे हो ये अपने आप अपडेट हो गया पेडेस्टल, और हाइट्स भी यहाँ आ गई। तो दो तरह की हाइट्स इसलिए हैं क्योंकि दो पेडेस्टल बिल्कुल एक्सट्रीम में पड़े हैं, जो मिनिमम हाइट वाले हैं, और मैक्सिमम वाला बीच में पड़ा हुआ है। एंड ठीक है, पेडेस्टल की हाइट हमने सही कर लिया, तो इसी से अभी लॉन्गिट्यूडनल सीज़मिक अरेस्टर और ट्रांसवर्स सीज़मिक अरेस्टर, जिसकी हमने कल डिस्कशन की थी, उसके साइज भी एक बार कन्फर्म कर लेते हैं। ऑल्दो मुझे लग रहा है ट्रांसवर्स सीज़मिक अरेस्टर तो ठीक ही रहेगा, बट स्टिल लेट अस कन्फर्म। इसके लिए हम जाते हैं वापस से वाइट बोर्ड पे। तो उससे पहले ना यार एक चीज, एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना मैं भूल गया था, वो है ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जनरली बेरिंग के आगे कुछ मिनिमम डिस्टेंस हमेशा हमें देना ही होता है, अगर आप वो नहीं दे पा रहे हो तो आप अपने इस कैप को थोड़ा आगे करके यहाँ से भी हॉन्च कर सकते हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये देना ही होता है। या तो आप इतना डिस्टेंस दे दो, और अगर आपकी बेरिंग बड़ी है तो आप अपनी कैप भी एक्सटेंड कर सकते हो, एंड वी आर अज्यूमिंग कि अभी बेरिंग हमारा साइज सही हो गया है। तो इसमें इसको कहते हैं सीटिंग डिस्टेंस, सीटिंग डिस्टेंस। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि इन केस कभी अगर किसी भी वजह से आपका गर्डर डिसलॉज होना चाह रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, दैट इज इन ट्रैफिक डायरेक्शन, इधर ड्यू टू सीज़मिक फोर्सेस या ड्यू टू अदर फोर्सेस, या मतलब अगर हो सकता है आपका स्पैन एक साइड से डिसलॉज हो गया, स्पैन गिर गया या पियर गिर गया ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स लाइक वाटर करंट बहुत बढ़ गया या स्कोरिंग हो गई, या नीचे अगर रोड जा रहा तो व्हीकल ही कोलाइड हो गया और आपके पियर में डैमेज आ गया तो स्पैन थोड़ा सा हिल गया, उस केस में गर्डर बेरिंग से भले ही उतर जाए लेकिन यहाँ पे आके पड़ जाए बस, मतलब नीचे ना गिर जाए वो, जिस केस में बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है और डेफिनेटली कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, फिर से नया ब्रिज ही बनाना पड़ेगा। अगर गर्डर आपका यहाँ गिर जाता तो उसे आप यहाँ पे रिलोकेट कर सकते हो, ये है इसका पहला एडवांटेज जिसको सीडिंग डिस्टेंस कहते हैं, और ये मिनिमम 150 तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये इसकी एक एप्लीकेशन थी। दूसरी एप्लीकेशन सीडिंग डिस्टेंस की है, जब भी आप प्रीकास्ट गर्डर्स जब आप साइड से लाते हो और उसे अपलिफ्ट करते हो और यहाँ पे बेरिंग पे रखने से पहले यहाँ पे ना टेम्पररी जैक्स लगाए होते हैं, ताकि आप गर्डर एक बार पोजीशन पे रख दो और उसके बाद जब सारे गर्डर्स रख दोगे
या आप अपनी बेरिंग्स अरेंज कर दोगे तो फिर उसको वापस जैकअप करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रख दो। तो ऑल दो सीटिंग डिस्टेंस पे भी आप वो जैकिंग रख जैक्स रख सकते हो, और जो यहाँ पे दो पेडेस्टल जा रहे हैं अगर मैं इसका सेक्शन बना रहा हूँ आप यहाँ पे भी रख सकते हो वो जैक्स को, लेकिन उस केस में क्या होगा ना फिर आपको गर्डर यहाँ से उठा के थोड़ा लेफ्ट रखना पड़ेगा या थोड़ा राइट रखना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन किस पेडेस्टल पे आप रख रहे हो। तो इसीलिए हमेशा यही प्रेफर किया जाता है, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा 3D में बनाऊँ कि ये जैसे आपकी अगर बेरिंग या पेडेस्टल आने वाला है तो वो जैक जो भी पड़ा होगा जो अभी रेड कलर से एनोटेट करता हूँ वो इस जगह पड़ा होगा कि डायरेक्टली सीधा इसके ऊपर रख दिया जाए। तो सीटिंग डिस्टेंस मिनिमम 150 होना चाहिए, और अभी जो हमने डायमेंशन चेंज की उससे कंफर्म करते हैं कि क्या वो 150 आ रहा है या नहीं आ रहा है, और फिर देखते हैं अरेस्टर्स की भी डायमेंशन एक बार सही से। तो आपको पता ये 800 था टोटल, तो ये 400 हो गया, और अभी हमने टोटल पेडेस्टल की ही डायमेंशन क्या कर दी है 500, क्योंकि 200 बेयरिंग की डायमेंशन कर दिया, तो 200 प्लस 150 प्लस 150 विल बी 500। सो दिस मीन्स कि 400 अगर यहाँ से एंड तक है तो ये 250, 500 का हाफ 250 हो जाएगा, इतना सा पोर्शन, एंड ये डिस्टेंस शायद 150 आ रहा है, यस 150 आ रहा है। तो इन दैट केस हमारे पास क्या होने वाला है कि 150 mm की सीडिंग डिस्टेंस अवेलेबल है। तो एनीवेज ये सब हो गया, तो आपके पास सीटिंग डिस्टेंस भी अवेलेबल है। अब एक बार रीकन्फर्म करना है यार सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर का साइज। तो ये अगर मैं प्लान डायमेंशन बना रहा हूँ कैप की, और ये ट्रैफिक डायरेक्शन है। सो इफ दिस इज द ट्रैफिक डायरेक्शन, तो ये सिर्फ कैप का लेवल है। कैप लेवल पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पड़ा है आपके पास पेडेस्टल जिसकी हाइट सबसे कम है, ये वाला पेडेस्टल जो पड़ा है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, और ये अगेन सेम पेडेस्टल, मतलब 1 and 1 ही सेम है, और ये 2 पेडेस्टल है, दो तरह के पेडेस्टल है। ये बेयरिंग सेंटर लाइन भी है और ये क्रॉस बीम की सेंटर लाइन भी है। तो कितने लोगों को पता है क्रॉस बीम का क्या रोल होता है, अगर जिसने ग्रिलेज के सारे एपिसोड्स देखे हैं यूट्यूब पे उस वाले पे, उस पर बहुत डिटेल से बताया कि क्रॉस बीम का क्या रोल होता है इनिशियल में। और क्रॉस बीम बेसिकली दिए जाते हैं क्योंकि आपके जैसे 3 गर्डर्स पड़े हैं ना, तो ट्रैफिक मान लो सबसे एक्सट्रीम वाले गर्डर की तरफ चल रहे हैं बिल्कुल एक्सेंट्रिक होके, तो उस गर्डर पे ज़्यादा फोर्सेज आएंगे ऐसा लगता है, और ऐसा ही होगा, और उसके डिफ्लेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो अगर वो डिफ्लेक्शन मान लो 100 mm हो सकता है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा फिगर बोल गया हूँ, लेट्स से वो 20 mm हो रहा है लेफ्ट वाले गर्डर पे जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है, तो वो 20 mm ना होके 20 से कम हो जाएगा अगर आप क्रॉस बीम दोगे, क्योंकि कुछ कुछ डिफ्लेक्शन का बाकी क्रॉस बीम्स भी सॉरी बाकी गर्डर्स भी शेयर करेंगे अगर क्रॉस बीम दिया हुआ है। तो क्रॉस बीम एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करता है आपकी डिफरेंशियल सेटलमेंट डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन का जो कि गर्डर्स पे है। तो क्रॉस बीम हमेशा देना चाहिए, एटलीस्ट एंड्स पे तो होता ही होता है, और इंटरमीडिएट पे भी अगर आपका स्पैन बड़ा तो आप दे सकते हो, प्रोवाइडेड आप उसको बना सकते हो। कभी कभी जैसे रिवर होती है ना, तो वहाँ पे आप क्रॉस बीम की शटरिंग नहीं लगा सकते क्योंकि आप लॉन्च ही कर रहे होते हो। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हर जगह ही देना होता है, और ऐसा भी नहीं है कि जितने ज़्यादा क्रॉस बीम दे दोगे तो आपका स्ट्रक्चर बहुत सही हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो देर इज एन ऑप्टिमम लिमिट, मैक्सिमम 3 क्रॉस बीम दे दो, इससे ज़्यादा मत दिया करो RCC या PSC गर्डर्स के बारे में। बट अगर आपका प्लेट गर्डर्स है स्टील के, तो वहाँ एट सूटेबल इंटरवल्स क्रॉस ब्रेसिंग्स होती हैं जो अपना अलग रोल प्ले करती हैं। तो अगर कभी फ्यूचर में प्लेट गर्डर्स का कोर्स हुआ तो उसमें उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, या फिर किसी यूट्यूब एपिसोड पे आप देख ही लोगे। तो ठीक है, इस पे बाद में आते हैं। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि क्रॉस बीम को जैसे इसको ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है ये सेंटर लाइन ऑफ क्रॉस बीम है। नाउ द थिंग इज जो हमने पेडेस्टल सॉरी जो हमने लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर रखना है वो क्रॉस बीम से अटैच होगा। तो अगर जैसे ये जो मैं अभी ब्लैक से पोर्शन बना रहा था इसको एक्चुअली मैं थोड़ा अलग कलर से एनोटेट करता हूँ, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ ना क्रॉस बीम को, ये जो मैंने पर्पल से अभी बनाया हुआ है ये हैश पोर्शन, तो क्रॉस बीम के साथ आप एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर रखोगे, जो कि मैं यहाँ से डिनोट कर रहा हूँ ऐसे, ताकि लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर क्रॉस बीम से टक्कर खा जाए जब भी वो मूवमेंट हो। और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा ग्रूव बना दिया ये है इलास्टोमेरिक पैड, जो कि लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर के टॉप पे लगा होगा 50 mm वहाँ से, मतलब अगर ये सेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर का तो ये पैड ऐसा होगा, ये 50 mm होगा एटलीस्ट, और यहाँ पे पड़ा होगा ब्लू कलर वाला क्रॉस बीम जो कि आगे तक जा रहा होगा। तो अब ये बताने का पर्पस ये है क्योंकि यार गर्डर जो होता है ना वो गर्डर आपका प्लान में बेयरिंग से भी आगे जाता है 300 400,
तो अगर मैं इस लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर को इसके पीछे रखूंगा तो मुझे जगह ही नहीं मिलेगी, तो मुझे इसको डर्ट वॉल के साथ चिपकाना ही पड़ेगा, जो कि सही अप्रोच नहीं है। तो आप क्रॉस बीम पे अगर लगाते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अवेलेबल होता है, और हम यहीं से देख लेते हैं। तो लेट्स से क्रॉस बीम इतना सा पोर्शन है जो कि 400 का है, और बेयरिंग सेंटर लाइन से कितना हो जाएगा, ये 200 अवेलेबल हो जाएगा क्रॉस बीम। और उसके बाद कुछ तो गैप आएगा लॉन्गिट्यूडनल सीज्मिक अरेस्टर के बीच और क्रॉस बीम के बीच, एटलीस्ट ये 50 का जो पैड दे रखा है, 50 mm नीचे जो पैड दे रखा है, इसी का कुछ डिस्टेंस होगा, लेट्स से 20 mm या 30 mm। तो उसका भी मार्जिन रखते हुए लेट्स से मैं 20 ले लेता हूँ, तो 200 + 20 के बाद आपका लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर स्टार्ट होगा, और फिर पीछे कितनी डिस्टेंस अवेलेबल है ये हमें पता चलेगा कि 750 तो हमारे पास बेयरिंग सेंटर से एक्सपेंशन सेंटर के बीच का डिस्टेंस था। सबको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये 750 बेयरिंग सेंटर से एक्सपेंशन सेंटर के बीच का डिस्टेंस था। अब आपके पास क्रॉस बीम जो है वो 400 है, तो यहाँ से अगर मैं 200 डिडक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास 550 अवेलेबल रहता है बिल्कुल एंड तक, डर्ट वॉल के बिल्कुल पास तक। तो अब 550 अवेलेबल है, अब क्या मुझे ये डायमेंशन 550 दे देनी चाहिए? अगर आप दे देते हो तो डर्ट वॉल और इसके बीच में थोड़ा डिफरेंस रहेगा ही, जो कि 20 mm का होगा, क्योंकि एक्सपेंशन गैप 40 mm का था ना, तो 20 mm का डिफरेंस यहाँ रहेगा। तो आप इसको 550 ना नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पैड भी आएगा, तो उसकी भी कुछ लेट से टोटल हम 50 का इसको पीछे कर देते हैं, या 25 यहाँ से ले लो पीछे और 25 यहाँ से ले लो, तो ये 500 के डायमेंशन में लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर आपका फिट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बेयरिंग्स रिवाइज कर दी है और पेडेस्टल भी रिवाइज कर दिया। अगर ये पहले पेडेस्टल होता 800 तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाती, बट उससे हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक्चुअली क्रॉस बीम यहाँ दे रहे हैं और बेयरिंग पेडेस्टल के आगे तो दे ही नहीं रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर का साइज 500, ये वाली डायमेंशन 500, और ये यार आप 800 दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, 500 भी दे सकते हो, क्योंकि ऑल दो उसने इसी तरफ अपना इम्पैक्ट देना है। जैसे अगर ये अरेस्टर है और यहाँ से स्ट्राइक होगा तो कॉर्बल एक्शन अगर बनता है तो वो इस डायरेक्शन के अबाउट बनेगा, तो ये विड्थ काम आएगी जो 500 है, और फिर इसके बेसिस पे इन्फोर्समेंट डिसाइड होगी। तो 500 by 500 भी दे सकते हो, 800 भी दे सकते हो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, उसका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और हाइट 600 देंगे एटलीस्ट, जो हमने ट्रांसवर्स अरेस्टर की भी दी थी। तो 500 वाला फ्रीज हो गया, 800 हो गया, और ये जो हाइट लिख रहा हूँ मैं 600 लिख रहा हूँ, इसको वापस मैं स्प्रेडशीट में आपको इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। अब बस लास्ट चीज़ रह गई है ट्रांसवर्स अरेस्टर। ट्रांसवर्स अरेस्टर भी हमने ऑल दो पहले तो डिस्कस कर दिया था, लेकिन फिर भी क्योंकि साइज चेंज हुआ है, तो जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इन लाइन नाउ, इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। एंड आई रिमेम्बर उसके लिए हमने क्या किया था, 800 by 800 by 600 लिया था, जिसमें 600 हाइट थी ट्रांसवर्स वाली। तो अब वो यहाँ पे ऐसे पड़ा होगा, अगर 800 है तो आप देखो ये ऑलरेडी 800 है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा का पूरा यहाँ तक आ जाएगा अगर आपने इसके सेंटर से रखा है। अदरवाइज आप यहाँ से थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड भी कर सकते हो, जो कि मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि इस साइड हमारे पास काफ़ी डिस्टेंस है, तो आप इसको ट्रांसफर अरेस्टर को थोड़ा लेफ्ट भी कर सकते हो, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाएंगे फोर्सेस, क्योंकि पैड से ही ट्रांसफर होंगे जब वो पैड पे टकराएगा इन ट्रांसफर डायरेक्शन। तो इस केस में 800 से आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये मैंने जो बनाया ये है अबटमेंट का कैप का प्लान, और ट्रांसफर डायरेक्शन में यह है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, यहाँ ट्रैफिक डायरेक्शन, और यह है आपकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तभी तो यही ऐसे लंबा बनाया है, क्योंकि 12 मीटर्स की विड्थ था ना। तो यार कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे पेडेस्टल पड़े होंगे और यहाँ छोटा सा क्रॉस बीम आया होगा, ये क्रॉस बीम मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ जो कि यहाँ पड़ा हुआ है। तो क्रॉस बीम को हिट करेगा आपका लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर इन केस ऑफ सीज़मिक एक्टिविटी। इसका कलर कर देते हैं शेड थोड़ा अलग से, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अभी लॉन्गिट्यूडनल सीज़मिक अरेस्टर्स, इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, ताकि बहुत ही सही से आपको पता चल जाए, और वापस से एक और यहाँ बना। तो जैसे हमने ट्रांसवर्स डायरेक्शन में सीज़मिक अरेस्टर दिए थे जो कि लेफ्ट और राइट यहाँ से आएंगे, वैसे ही हमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी देने हैं, और ये पियर पे भी होते हैं, अबटमेंट पे भी होते हैं। आप ध्यान से अगर ब्रिज देखोगे अब तो आपको पता चल जाएगा, अगर सही से किसी ने डिज़ाइन डिटेल किया हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल सीज्मिक अरेस्टर
जब भी ये इस साइड मूव करने की कोशिश करेगा पूरा स्पैन सुपरस्ट्रक्चर, तो ये क्रॉस बीम्स इसको हिट करेंगे और सारे फोर्सेस इसको ट्रांसफर कर देंगे, जो अल्टीमेटली फिर सबस्ट्रक्चर पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये इसीलिए दिया गया है ताकि ये आपका डिसलॉज ना हो जाए। अगर ये नहीं होगा और आपके ज्यादा सिस्मिक फोर्सेज आ गए, तो हो सकता है कि बेयरिंग फेल होके गर्डर और ये आगे चले जाए, और दूसरी साइड से जो इसके ऑपोजिट साइड पे भी दो अबटमेंट होगी ना, वहां से जैसे अगर ये डर्ट वॉल की तरफ मूव कर रहा है, तो दूसरी साइड से वो कैप की तरफ मूव करेगा या बाहर की तरफ मूव करेगा, तो वो सीटिंग डिस्टेंस जो हमने दिया था हो सकता है उस पर गिर जाए। तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए हमने अरेस्टर दिया ताकि वो उसको हिट करे और कोई मूवमेंट पॉसिबल ना हो एक टाइम के बाद। तो फाइनली साइजेस फ्रीज हो गए हैं, अभी मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ स्प्रेडशीट में, और फिर फाइनली जो मैं बहुत उत्सुक हूँ जिसको कराने के लिए, वो चीज स्टार्ट होगी जिसका नाम है लोड कैलकुलेशंस। ट्रांसवर्स सिस्मिक अरेस्टर में ये सारी चीजें सही हो गई हैं। लॉन्गिट्यूडनल सिस्मिक अरेस्टर अब होगा 500 mm का एंड 800 इसकी विड्थ है, सो दिस इज फाइन। ऑल राइट, नाउ स्टार्ट द मेन फ्लो चार्ट ऑफ डिजाइन ऑफ अबटमेंट, और बहुत सही से करेंगे इसको, कुछ भी ऐसा आपको लगेगा कि मुश्किल मुश्किल नहीं होने वाला। तो मैंने ऑल दो दो सेशंस पहले ही इस डेटा को यहाँ चिपका दिया था, अब वो डेटा ढूंढ लेते हैं कहाँ पड़ा हुआ है, यहीं पड़ा हुआ है। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, पहले आपको ना एक लॉजिक ये क्लियर होना चाहिए कि क्योंकि आपका सिंगल स्पैन है और अबटमेंट है और स्पैन सिमेट्रिक है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और प्लान में भी, तो जो भी आप टोटल सब सुपरस्ट्रक्चर का डेड लोड कैलकुलेट करोगे, उसका हाफ लेफ्ट अबटमेंट पे जाएगा और हाफ राइट अबटमेंट पे जाएगा। तो हम तो एक ही अबटमेंट डिजाइन कर रहे हैं, तो इट मीन्स व्हाट आई वांट टू एम्फेसाइज इज कि पहले तो हम सारे लोड्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि कुछ भी नहीं करना है यार, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये जो फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसी की एप्लीकेशन है। और एक और चीज बता दूं, जिन कंपटीटर से आप अपनी सैलरी कंपेयर करते हो ना, खासकर जो कंसल्टेंट्स या प्राइवेट जॉब्स में अभी काम कर रहे हैं, जैसे मान लो सीएससी वालों से या आईटी वालों से, उनको डेंसिटी की अब यूनिट्स भी याद नहीं है। या आप कंफर्म कर लेना, पूछ लेना किसी से, टेस्ट कर लेना कि यूनिट्स बता दो, या फिर पानी या किसी की डेंसिटी पूछ ही लेना, तो वो नहीं पता होता उनको। इनफैक्ट मुझे मेरे दोस्त पूछते थे, यार आपको ट्रिगो व्रिगो काम आती है? तो यार हमारे में तो ट्रिगो चलते रहती है, अभी आपने देखा ही 1:3 से हमने कैसे फुटिंग की साइज डिसाइड की थी। तो ठीक है, भावनाओं में ना बहते हुए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन को भी, और अब हम डिसाइड करेंगे कैसे निकालना है डेड लोड कैलकुलेशंस को। तो कुछ करना ही नहीं है यार, सिंपल से जो आपको दिख रहा है उसका वेट निकालो बस। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं इस क्रैश बैरियर को, ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हैं। क्रैश बैरियर की डायमेंशन में मिनिमम 500 बॉटम पे होता है, 450 भी कभी कभी होता है, बट हम कंसीडर कर रहे हैं 500 वाला, और इसकी हमने हाइट ले रखी है 0.9 मीटर्स। अब क्रैश बैरियर की भी स्पेसिफिकेशन है जो IRC 5 में दे रखी है कि किस साइज का होना चाहिए, वो आप देख सकते हो। तो जस्ट टू यू नो डिनोट कि क्या प्रोसीजर होने वाला है, वो मैं बता रहा हूँ। अब अगर आप इसको एक रेक्टेंगल मान सकते हो, तो आप मान लो 0.9 × 0.5 में करता हूँ तो 0.45 आता है। ये आपके पास क्या आया है? सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज एरिया। यार यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, यूनिट से ही काफी चीजें सही हो जाएंगी। और टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है 16 मीटर्स। क्लियर है ये चीज? तो 16 मीटर्स की लेंथ आपके इस अबटमेंट पे आने वाली है। 16 मीटर्स से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया आपने निकाल लिया 0.45 और लेंथ आ गई 16, तो ये एक वैल्यू आएगी, इसको हम स्प्रेडशीट में डायरेक्टली निकालते हैं। और उसके बाद वॉल्यूम आ गया, अब आपको डेंसिटी पता है कंक्रीट की, क्योंकि ये जो क्रैश बैरियर होता है ये आरसीसी होता है, आरसीसी का ही क्रैश बैरियर होता है। अगर आपका कोई माइल्ड स्टील की रेलिंग है तो अलग चीज़ है, बट ये क्रैश बैरियर आरसीसी क्रैश बैरियर है, इसीलिए इसका 25 यूनिट वेट रहेगा। इस वॉल्यूम को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 से, तो मेरे पास क्रैश बैरियर का लोड आ जाएगा। लेकिन अब इसमें कैच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए वापस स्प्रेडशीट पे आते हैं। तो अब हम ये सारी चीज़ें करेंगे स्प्रेडशीट पे। ये क्रैश बैरियर जो मैंने नीचे लिखा है, इसका सबसे पहले वर्टिकल फोर्स निकालते हैं कितना आने वाला है। तो ये आने वाला, आप ध्यान से देखना, 0.5 जो कि बॉटम विड्थ है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.9 से जो कि इसकी हाइट है, एंड ये आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, आप टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 16 मीटर्स, ठीक है, 16 मीटर्स टोटल लेंथ है, लेकिन ये एक्सपेंशन टू एक्सपेंशन है, यही मैं आपको बताने वाला था, बट ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, उसके बाद मैं दूसरा पार्ट पे आता हूँ।
इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25 से, तो ये आ गया क्रैश बैरियर का लोड, एक क्रैश बैरियर का लोड आया ये, मतलब ये लेफ्ट साइड वाले क्रैश बैरियर का लोड आया। और सेम ही राइट वाले का भी होगा, तो आप बोलोगे इसको डबल कर दो, तो बात सही है, लेकिन डबल तो मैं कर दूंगा, बट जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये पूरे स्पैन का आया है, हमें अबटमेंट पे चाहिए तो हमें उसका हाफ करना पड़ेगा, करेक्ट? ये चीज क्लियर है या नहीं है? जैसे अगर ये प्लान है, यहाँ पे क्रैश बैरियर पड़ा है, ठीक है, और ये ट्रैफिक डायरेक्शन है, तो इसका मैंने निकाल लिया 180 आ रहा है, इसका भी 180 आएगा ना, लेकिन क्योंकि मुझे अबटमेंट पे लेना है जो कि इस डायरेक्शन में है, तो 180 अपॉन 2 प्लस 180 अपॉन 2, वो घूम फिर के 180 ही बन रहा है। तो अगर 180 बन रहा है तो इसको हम 180 ले लेते हैं। बट यहाँ जो कैच अभी आने वाला है वो ये है, क्योंकि यार आपकी अप्रोच स्लैब भी तो पड़ी है यहाँ पे, और ये आप जब देखोगे ना अपने ऑफिस की स्प्रेडशीट, हो सकता है उसमें ये लिया नहीं होता होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो ना अप्रोच स्लैब पड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्रैश बैरियर पीछे भी तो जाएगा यहाँ पे, तो अब वो कितना पीछे जाएगा और आपके स्ट्रक्चर पे कितना आएगा, जितनी ये पीछे बॉटम पे फुटिंग होगी आपकी, ये वाली डायमेंशन यहाँ से, उतना ही क्रैश बैरियर का लोड आपको और ऐड करना है। ओके, या आप क्या कर सकते हो, जितनी भी अप्रोच स्लैब का लोड आप 3.5 का लोगे ही लोगे, उसी 3.5 लेंथ के लिए भी आप क्रैश बैरियर का लोड ले सकते हो, और क्योंकि ये दोनों साइड होगा तो ये डबल होगा, ये कैच था इसमें, ये आपको करके ही पता चलता है, और अगर क्या पता आपकी स्प्रेडशीट्स ऑफिस में ऐसे बनी है या नहीं। तो ये हो गया एक चीज, अब मैं इसको थोड़ा और सही से करने के लिए ना, इसको क्रैश बैरियर ऑन अप्रोच स्लैब लिख देता हूँ, ताकि आप फिर भूलो ना और बाद में कोई दिक्कत ना आए, जो कि अप्रोच स्लैब पे पड़ी है। अब अप्रोच स्लैब पे दोनों साइड होंगे, ये तो हमें समझ आता है, और दोनों ही आपके अबटमेंट पे भी आएंगे, तो इसको अभी ऐसे हम करते हैं मॉडिफाई, 16 जो लेंथ है वो हो जाएगी 3.5, क्योंकि 16 मीटर हमने स्पैन लिया था, बाकी सारी डायमेंशन सेम रहेंगी, और ये होगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स इसलिए हो रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है क्रैश बैरियर। ओके, तो ये क्रैश बैरियर हमने कर लिया कैलकुलेट, पहली चीज होगी खत्म। अब आते हैं वापस से इस वाले इमेज पे, जो कि जहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, तो जब हमने क्रैश बैरियर कर ही लिया है तो इन सबको हटाते हैं। अब जो चीज आपको नहीं दिख रही है उस पे आते हैं, और अगर कोई चैट बॉक्स में बताना चाहता है कि क्या चीज नहीं दिख रही है तो बता दे, बट मुझे लगता है आपको वेरिंग कोट नहीं दिख रहा है क्योंकि वो यहाँ बना ही नहीं है, ठीक है? तो अब वेरिंग कोट की डायमेंशंस कैसे आएंगी, आपको पता है टोटल 12 मीटर्स है, 0.5 0.5 क्रैश बैरियर आपने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, तो टोटल 11 मीटर्स इसकी विड्थ रहेगी, और थिकनेस इसकी 65 mm हमने ले रखी है, तो आप स्प्रेडशीट में देखो मैं इनपुट कर रहा हूँ, पहले आप क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालो, जो कि मैं अभी ये निकाल रहा हूँ 0.065, क्योंकि ये वेरिंग कोट की थिकनेस है, मल्टीप्लाइड बाय 11 मीटर्स, क्योंकि ये क्रैश ये टोटल उसकी लेंथ है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, या विड्थ आप कह लो, तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्योंकि आपको 16/2 करना पड़ेगा, 16 मीटर टोटल स्पैन है, उसका हाफ कर रहा हूँ ताकि अबटमेंट पे हाफ ही आए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेट ऑफ वेयरिंग कोट से। अब यूनिट वेट आप वेयरिंग कोट का क्या लेते हो जनरली, और क्या लेना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ, 22 से 23.6 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर लेना चाहिए, और ये क्यों लेना चाहिए, कोड में लिखा हुआ है IRC 6 में, उसमें एक रेंज दे रखी है, तो आप ले सकते हो, इसको ना हम देखते हैं कि क्या लेना चाहिए, तो अभी हम 23.6 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आ गया 135 किलो न्यूटन। अब आप एक चीज देखो कि वेयरिंग कोट की वजह से लोड और क्रैश बैरियर की वजह से लोड में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि आपको वेयरिंग कोट दिखता ही नहीं है, तो ये जो मैं आपको बता रहा था ना स्टार्टिंग से, ऐसे कुछ नहीं कह सकते, ऐसे नहीं कहना चाहिए, या कैलकुलेशन के बाद ही बताऊंगा या नंबर्स देख के बताऊंगा, तो वो मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि वेयरिंग कोट का लोड जनरली क्रैश बैरियर के रेंज का आ रहा है, अगर आपकी विड्थ ज्यादा होती, ये तो हमने अभी 11 मीटर लिया है, मान लो मैं इसको 16 मीटर के भी ब्रिजेस होते हैं, आपको पता है 16 मीटर के भी 16 मीटर वाइड ब्रिजेस भी बनते हैं, हो सकता है उनका स्पैन 8 मीटर ही हो, लेकिन वो 16 16 मीटर चौड़े होते हैं, अगर मैं इसको 15 ले लूंगा तो देख लो वो उससे भी बड़ा हो गया, तो जो चीज दिखती है वो बिकती है, ऐसा नहीं होता है, जो नहीं दिखती है कभी कभी वो भी बिकती है,
तो इसीलिए मैंने यहाँ वेयरिंग कोट अगर नहीं बनाया था तो आपको पूछा पहले कि क्या चीज मिसिंग है। तो ठीक है, इस पे अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। वेयरिंग कोट अब हो गया, ये सिर्फ स्पैन का वेयरिंग कोट है। अब सेम जब अबटमेंट पे बात करते हैं, तो जैसे हमने क्रैश बैरियर लिया था उसी प्रोसेस से 3.5 मीटर की ये जो अप्रोच स्लैब आएगी, यहाँ पे भी वेयरिंग कोट पड़ा होगा, तो आप इसका भी लोड ऐड कर सकते हो। और ये सारी चीजें ना आपकी ऑफिस के स्प्रेडशीट्स में नहीं होंगी, मतलब मैं 80% कंफर्मिटी के साथ ही कह रहा हूँ कि ये नहीं होंगी, वो सिर्फ स्पैन का लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्या पता हो भी, आई एम नॉट दैट श्योर, बट मैंने ऐसा देखा नहीं और कोई ऐसे डिस्कस करता भी नहीं है इन चीज़ों को। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको पता है ये एज इट इज 0.065 की थिकनेस रहेगी। अब बात आती है अप्रोच स्लैब पे भी 11 मीटर की ही विड्थ रहेगी, लेकिन उसकी लेंथ 3.5 हो जाएगी। और इसको डिवाइड नहीं करना है टू से, डिवाइड इसलिए नहीं करना है क्योंकि पूरा ही वेयरिंग कोट हम अज्यूम कर रहे हैं अबटमेंट पे आ रहा है। ऑल दो बट अप्रोच स्लैब के नीचे अर्थ फिल होती है, तो वो एक्चुअली अर्थ पे भी जाएगा, बट अर्थ पे जाएगा भी तब भी तो घूम फिर के फुटिंग पे तो टोटली आएगा ना, तो इसको आप इस तरह से ध्यान रखना। ठीक है, स्टेम डिजाइन के लिए हो सकता है आप इसको हाफ कर लो, बट फुटिंग डिजाइन के लिए आपको ये पूरा ही लेना पड़ेगा। तो फॉर कॉन्जर्वेटिव थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा, मैं इसको पूरा ही ले रहा हूँ। और इस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं 23.6 से, और ये वेट थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ये आ गया आपके फुटिंग के डिजाइन के लिए टोटल वर्टिकल फोर्स। क्रैश बैरियर का फोर्स आ गया, और क्रैश बैरियर अपोर्ट स्लैब पे जो है उसका भी फोर्स आ गया। तो यहाँ यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऊपर फेंक दो, तो स्प्रेडशीट में काम करने का अपना ही मजा आता है। इसीलिए अगर आप ये कोर्स अटेंड अभी कर रहे हो ना, तो आपके साथ साथ आपकी अपनी स्प्रेडशीट बन जाएगी। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के एक आधा घंटा बना लो स्प्रेडशीट अपनी, उसका आपको आगे जाके बहुत एडवांटेज होने वाला है। एटलीस्ट आप स्टेबिलिटी तो आराम से चेक कर ही लोगे। और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, तो अब ये सही है या हमने कुछ गलत कर दिया? नहीं, ठीक है, ओके डन। तो ये भी हो गया वेयरिंग कोट, वेयरिंग कोट ऑन अप्रोच स्लैब, क्रैश बैरियर, क्रैश बैरियर ऑन अप्रोच स्लैब। नाउ कम्स जो सबसे खतरनाक चीज है, वो है डेक स्लैब। अब आपको बताया जाएगा डेक स्लैब का वेट कितना आता है, तो आप इन नंबर्स को भी देखते रहना। तो डेक स्लैब में कुछ नहीं करना है, टोटल 12 मीटर्स की वेट है ना, टोटल 12 मीटर्स की वेट है। 12 मीटर्स की वेट में आपको करना है थिकनेस, पहले एरिया कंप्यूट करते हैं। चलो मैं यहाँ पे एरिया निकाल देता हूँ। एरिया विल बी इक्वल टू 12 मीटर्स इंटू, अब इसकी थिकनेस 220 ले रखी है, 0.22 मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज, वो कितनी है 16 मीटर्स, डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि हाफ वेट आएगा अबटमेंट पे, और मल्टीप्लाई किया जाएगा इसको 25 से क्योंकि यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट इज 25 और डेक स्लैब कॉन्क्रीट मटेरियल ही होगा। ठीक है, ये सब मैं क्या कर रहा था ऊपर ही, क्रैश बैरियर में डेक स्लैब का वेट डाल देता, अनर्थ हो जाता। तो इसको करते हैं 12, इसको करते हैं 16/2, इसको करते हैं 25, तो ये आ गया 528। तो देखो इन सब का मिला के भी इससे कम ही बन रहा है, तो ये डेक स्लैब का अपना जलवा है। जैसे उसमें है ना मिर्जापुर में कि हम जलवा है हमारा, वैसे ही डेक स्लैब का अपना जलवा है। और अगर आप भी पूरी डेक स्लैब 14 मीटर स्पैन के लिए ले लोगे, जैसे कि जो मैंने एक एपिसोड में बताया भी है यूट्यूब पे, सॉलिड डेक स्लैब को क्यों इग्नोर करते हैं लोग 10 मीटर स्पैन के बाद, इसीलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि अगर आप 10 मीटर स्पैन के बाद देते हो तो एटलीस्ट 1.5 मीटर की तो थिकनेस आएगी, एक की नहीं आएगी तो 0.9 की तो आएगी आएगी। और 0.9 की थिकनेस पूरे 16 मीटर पे, 10 मीटर पे लगाना, उसका वेट कैलकुलेट करना, वो बहुत ज्यादा हैवी सेक्शन बनते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट लगता है। हो सकता है गर्डर पे जब आप लगाओगे तो ये इतना ज्यादा लगेगा ही नहीं, मटेरियल सेविंग होगी वहां पे। तो एनीवेज ये हो गया डेक स्लैब। अब सेम अप्रोच जो हमने डेक स्लैब की ले रखी है, ये सिर्फ स्पैन से आ रहा है, और जो अप्रोच स्लैब से भी कुछ आएगा ना, अप्रोच स्लैब तो खुद ही आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे अब ऐसा नहीं करना है कि अप्रोच स्लैब पे भी डेक स्लैब लगा दी, मतलब अप्रोच स्लैब डेक स्लैब की ही छोटी बहन है, छोटा साइज है उसका। क्रैश बैरियर तो उसके ऊपर आ रहा था इसलिए हमने लगाया, वेयरिंग कोट भी उसके ऊपर आ रहा था इसलिए हमने लगाया, बट अप्रोच स्लैब वाले लोकेशन पे अलग से उसके ऊपर डेक स्लैब नहीं लगानी है, तो ये पाप नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे अब सीधा अप्रोच स्लैब लिखते हैं।
तो आप देखो इसमें कुछ करना है कुछ भी नहीं करना है यार, ऐसे ही डरते हैं लोग सबस्ट्रक्चर डिजाइन करने से। तो अब अप्रोच स्लैब की विड्थ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे एक कैच आता है, इस पे मैं आपको पहले डिस्कशन में बता ही देता हूँ। तो ये जो अभी इसको आधे आधे हिस्सों में तोड़ा हुआ है, इसको पूरा स्प्लिट करते हैं। और आप अब मेरे को बताओ कि आपको डिस्प्ले क्या हो रहा है, अगर व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले हो रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कुछ नहीं करना है आपको। याद है मैंने कल वाले सेशन में आपको बताया था कि रिटर्न वॉल बनी होती है, और ये भी बताया था कि रिटर्न वॉल डर्ट वॉल, जैसे ये डर्ट वॉल हो गई और फिर ये आपकी अबटमेंट की कैप है प्लान। ये इतनी आगे क्यों जा रही है, ये तो गलत बन गई ना, इसको बनाते हैं इससे। ठीक है, तो इसको भी हटा दो। इसका कलर कर दो आप कंक्रीट वाला कलर, ये है आपके पास अबटमेंट की कैप। अब यहाँ पे बना रहा हूँ मैं सेम डायमेंशंस की डर्ट वॉल, क्योंकि टॉप में 300 थिकनेस है, तो ये 300 थिकनेस बना रखी है। इसका कलर थोड़ा सा अलग कर देते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। तो ये डर्ट वॉल हो गई, अब इसके पीछे रिटर्न वॉल बनानी है। तो रिटर्न वॉल के लिए मैं बना देता हूँ 500 थिकनेस वाली वॉल। इसका कलर कर दो आप थोड़ा सा और अलग, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये रिटर्न वॉल है। आप समझ पा रहे हो ना चल क्या रहा है, मतलब ऐसे घूम तो नहीं हो गए हो ना भाई, क्योंकि ये है ट्रैफिक डायरेक्शन और रिटर्न वॉल ट्रैफिक डायरेक्शन या वॉल के अबटमेंट कैप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो ये रिटर्न वॉल आ गई। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट तो सॉरी डर्ट वॉल तो बना दी, बट इसके पीछे छोटा सा एक ब्रैकेट वाला कंपोनेंट भी है, उसके ऊपर ही तो अप्रोच स्लैब रखी जाती है। ये कैसे पता चलेगा, ये सेक्शन से पता चलेगा। तो ये मैं एक बार, हाँ तो ये जो स्काई ब्लू कलर में आप देख रहे हो, ब्लू ब्लू ज्यादा हो गया, ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हो, एक्चुअल में ये क्या है, ये आपके पास है ब्रैकेट। और वो कौन सी ब्रैकेट है, ये वाली जो आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये रेड कलर में ये ब्रैकेट है, इसके ऊपर ये अप्रोच स्लैब रखी जाएगी। और अगर आपकी रिटर्न वॉल कुछ थिकनेस है, जो हमारे केस में है 0.5 यूनिफॉर्म थ्रू आउट द डेप्थ, और ये टोटल कितना था 12 मीटर्स, तो ये क्लियर कितना बचा 11 मीटर्स। इसमें कोई डाउट है, तो अगर इसमें कोई डाउट नहीं है, इसीलिए जो अप्रोच स्लैब की आप डायमेंशन कैलकुलेट करोगे उसमें आपको 12 मीटर्स नहीं लेनी है, जैसे हमने डेक स्लैब के लिए आपको 11 मीटर्स लेनी है। तो ये कैच है, 11 मीटर्स इंटू थिकनेस ऑफ अप्रोच स्लैब हम 300 ले रहे हैं अभी, 300 × 11 मीटर्स दिस विल बिकम योर एरिया, एंड इसकी लेंथ 3.5 मीटर है, तो उसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। और वापस हम चलते हैं स्प्रेडशीट पे, स्प्लिट कर दूंगा फिर थोड़ी देर में उसको। तो अभी आपको स्प्लिट पोर्शन दिख रहा है, तो अगर आपको अगर स्प्लिट पोर्शन दिख रहा है आप अपना हाथ रेज कर सकते हो। तो यहाँ मैं अप्रोच स्लैब की डायमेंशन के लिए बता रहा हूँ आपको, 11 मीटर्स आ रही है क्योंकि रिटर्न वॉल है। अगर रिटर्न वॉल नहीं होती तो थ्रू आउट जाती, ठीक है, और रिटर्न वॉल जनरली डर्ट वॉल के टॉप तक आती ही आती है, क्योंकि तभी तो दोनों साइड से अर्थ रिटेन होगी, अदरवाइज गिर नहीं जाएगी वहां पे लेफ्ट राइट अर्थ। इस वजह से 11 मीटर्स इंटू थिकनेस हम ले रहे हैं, अप्रोच स्लैब की 300 है। एक्चुअली ये मैंने ना पीछे डिजाइन डेटा में सब वैल्यूज भरी हुई है, तो उसी से क्यों ना इसको लिंक कर दें, ढूंढना पड़ेगा बस। अप्रोच स्लैब अप्रोच स्लैब अप्रोच स्लैब थिकनेस ऑफ अप्रोच स्लैब, ओके करेक्ट, और मल्टीप्लाइड बाय 3.5, ठीक है, और इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप अपने कैलकुलेटर्स अगर आपके पास है तो इन डायमेंशन को वेरीफाई कर लो, हो सकता है कुछ ज़्यादा बोल मतलब ज़्यादा चीज़ हम कंसिडर कर लें या ज़्यादा या कम चीज़ कंसिडर कर लें, तो ये एक वेरीफिकेशन भी हो जाएगी। तो देखो 288 आ गई, और ये सही चीज़ भी है। तो ये सारे किलो न्यूटन में आपके फोर्सेस आ रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कभी अपनी स्प्रेडशीट खुद बनाते हो ना, तो जितनी उसको सुंदर बना सको उतनी बनाना। इस सेशन में तो वो सुंदर नहीं बन पाएगी क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन जैसे अब मेरे को ना ये नंबर खटक रहे हैं एक्चुअली, तो ना मैं इसको थोड़ा सा और सही कर देता हूँ कि भाई सारी चीजें सही लगे। रिपोर्ट ऐसी बननी चाहिए कि सामने वाला सोचे कि यार ये तो वर्ड में बनाई होगी, बट वो एक्सेल में बन जाती है। तो इसको फॉर्मेट करते हैं,
ठीक है, सही लग रहा है ना देखने में। ओके, अप्रोच लैब भी हो गया। आप देखो बचा क्या है, जो जो चीजें हमारे सामने आएंगी सबको निपटा डालेंगे। अभी बच गया यहाँ पे गर्डर्स, जो है मेन कंपोनेंट्स, और गर्डर्स के लिए डिस्कशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और वो क्यों बढ़ेगी, क्योंकि गर्डर के सेक्शन एक्चुअल में वेरी होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर स्ट्रक्चर पे हो, बट एक एफिशिएंट इंजीनियर करता है उनको वेरी, और उसके पीछे का लॉजिक भी है कि काफी मटेरियल सेविंग होती है। तो मैं अब इसको ना थोड़ा बड़ा व्यू कर देता हूँ, क्योंकि इस पर थोड़ी डिस्कशन करना बनती है। तो ये जितनी भी आपने अभी तक चीजें की, ये सब तो बस कर ली। अब आप यहाँ पे ध्यान देना इस वाले पोर्शन में, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हम फोकस करेंगे सिर्फ बॉटम वाले एलिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि गर्डर्स की वेरिएशन की क्या जोन हम रखेंगे। तो ये पड़ा है गर्डर और ये है टेपर्ड जोन। टेपरिंग क्यों की जाती है, ऑलरेडी एक एपिसोड पड़ा है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो। और यहाँ से लेके मतलब इस जोन तक है सपोर्ट जोन, और फिर उसके बाद ये पूरा जो अभी मैं नीचे और बना रहा हूँ यहाँ तक, ये होता है मिड जोन। मिड जोन मतलब जहाँ सबसे स्लेंडर गर्डर पड़ा होगा, सबसे कम कंक्रीट वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला गर्डर पड़ा होगा। हालांकि गर्डर एक ही है, लेकिन एक ही गर्डर में तीन सेक्शंस हैं अलग अलग। तो ये इसको थोड़ा सा अच्छे पेन से डिनोट करते हैं। इसको कहेंगे हम सपोर्ट सेक्शन, इसको हम कहेंगे मिड सेक्शन, इसको हम कहेंगे टेपर्ड सेक्शन। अब इनकी लेंथ कैसे डिफाइन होती है सपोर्ट सेक्शन की, तो बेसिकली इनको टेपर करने का एक रीजन है कि हमें यहाँ पे थोड़ा थिक इसलिए करना पड़ रहा है। अगर आप यहाँ साइड वाली इमेज देखो, ये वाली इमेज, ये सपोर्ट सेक्शन की इमेज है, तो इस पे लिख देते हैं एस सपोर्ट टेपर्ड एंड दिस इज मिड सेक्शन। तो आप इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया ना इन डायमेंशंस के हिसाब से मैंने कंप्यूट कर लिए थे, और शायद किसी प्रोजेक्ट से ही मैंने उठाए हैं पुराने वाले। तो आप इनको इन डायमेंशंस के हिसाब से जब आप रिवाइज करोगे या कभी देखोगे इस एपिसोड को दोबारा, तो कंफर्म कर लेना। बट बहुत जल्दी अगर आपको करना ही है तो इसका कर देते हैं। 0.6 नीचे से आ रहा है, तो मैं 0.6 × 0.,, मतलब यहाँ लिखूंगा तभी तो आपको समझ आएगा। 0.6 × 1.4, ये मैंने कर दिया रेक्टेंगल का पोर्शन। ठीक है, एक तो ये हो गया, प्लस अब ये ट्रेपीजियम जो बच गया है इसका लेना है मुझे। तो इसके लिए क्या करूँगा, एक साइड का ट्रेपीजियम का निकाल लूंगा, या मतलब इसको भी आप रेक्टेंगल में तोड़ लो, और फिर ये दो ट्राइंगल है इनका वेट, इनका हम निकालते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको डिलीट करते हैं जस्ट टू कंफर्म कि क्या ये सही उठाया हुआ ना। तो ये है 0.035, और ये आपके टॉप पे है 0.2। तो इट मीन्स 0.2, हमने ये वाला पोर्शन कंसीडर कर लिया, तो बस इतने पोर्शन का ही करना है। तो ये डायमेंशन क्या होगी, 0.9/2 माइनस 0.6/2, 0.6/2। तो ये क्या आती है, 0.45 − 0.3, 0.15। ओके, तो ये आएगी 0.15। दिस डायमेंशन विल बी 0.15। क्या मैं सही कर रहा हूँ, 0.9 − 0.6 / 2, 0.1, 0.9 − 0.6, 0.3 / 2, 0.15। ओके, सही हुआ है। तो 0.15 ये डायमेंशन आई है, और ये है इस वाले पोर्शन का निकाल रहे हैं × 0.2। और क्योंकि ये इस साइड पे भी है, तो इसको मैं 2 से ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और फिर बच जाएगा ये छोटा सा पार्ट, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए ये डायमेंशन है 0.035। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो अगर बेस इसका 0.035 ले रहा हूँ, ऑल्टीट्यूड इसका हो जाएगा 0.15, और ये होता है हाफ। बट क्योंकि ये इस साइड पे भी है, तो ये डबल हो जाएगा। तो ये फिगर आप, ये जो कैलकुलेशन मैंने लिखी है, इसको एक बार रिकन्फर्म कर लेते हैं। 0.6 × 1.4 + 0.15 × 0.2 × 2 + 0.035 × 0.15। सो देखो 0.905 आ रही है, बहुत खुशी हुई इसको निकाल के। तो ये वैल्यू सारी सही है, अब इस पे आप ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्कशन जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि ये टेपर क्यों किया जाता है, या वेरिएशन क्यों करते हैं हम।
इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं साइड पे और इसको ऊपर ले जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स कहाँ आते हैं, अगर सिमेट्रिकल लोडिंग लगी हो या मतलब यूडीएल लगाओ कुछ भी इस तरीके से, तो वो आते हैं सेंटर पे, क्योंकि बीएमडी या सैगिंग कुछ ऐसी बनेगी। हो सकता है मिड पे ना एग्जैक्ट, क्योंकि लाइव लोड मूव कर रहे हैं, यहाँ यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये है बीएमडी डायग्राम एक सिंपली सपोर्टेड बीम का, और ये गर्डर सिंपली सपोर्टेड ही है। नाउ इफ वी हैव टू प्लॉट शियर फोर्स डायग्राम, तो शियर फोर्स कहाँ मैक्सिमम होता है, बिल्कुल सपोर्ट्स पे। तो ये मैंने पर्पल से बनाया है शियर फोर्स डायग्राम। तो आप देखो एक्चुअली बीएमडी के लिए तो हम रिइंफोर्समेंट दे के उससे निपट लेते हैं। तो मिडिल सेक्शन में यहाँ पे नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट, ये बल्ब इसीलिए दिया होता है ताकि नीचे बहुत ज्यादा रिइंफोर्समेंट आप दे सको, अदरवाइज मैं 0.3 वाला भी थ्रू आउट नीचे लेके जा सकता था। तो ये बल्ब में बल्ब देने का फायदा, इसको बल्ब कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, इस बल्ब को देने का फायदा यही है कि ज्यादा ज्यादा रिइंफोर्समेंट आप बॉटम वाले रेस में दे दो। तो मिड सेक्शन में होती है सबसे ज्यादा रिइंफोर्समेंट। अगर आप कर्टेलमेंट नहीं करते हो तो ये थ्रू आउट आप एज इट इज हर जगह डाल सकते हो, बट कर्टेलमेंट करोगे तभी तो एक एफिशिएंट इंजीनियर बनोगे। तो कर्टेलमेंट करने के लिए थोड़ा और टाइम लगता है, क्योंकि अलग अलग सेक्शन पे मोमेंट्स निकालने पड़ते हैं और SFD और BMD कंपेयर करना पड़ता है, बट इतना कुछ मुश्किल नहीं है, हो जाता है इजिली। तो द थिंग इज यहाँ पे होता है शेयर फोर्स सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा शेयर फोर्स होता है तो हमें वहाँ पे कॉन्क्रीट मटेरियल भी ज्यादा चाहिए। इसलिए यहाँ पे सपोर्ट सेक्शन जो मैंने यहाँ एनोटेट किया है, इसकी थिकनेस जाती है सबसे ज्यादा किसी भी RCC गर्डर में, इनफैक्ट PSC गर्डर में भी। गॉट इट? ये है पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कि ये S कितना होना चाहिए। तो एटलीस्ट जितनी आपकी गर्डर की डेप्थ है उतना तो लेना ही चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि हम हमेशा शेयर फोर्स जब चेक करते हैं तो एज डी इफेक्टिव करते हैं, और ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन जो आप हमेशा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग के अपने ग्रेजुएशन के डेज में पढ़ते हो ना, वहाँ पे दिया गया कि डी इफेक्टिव पे क्यों करना है, क्योंकि टेंशन के कारण शेयर फोर्स जब डेवलप होगा तो क्रैक्स डायगनली आते हैं, तो वो 45 डिग्रीज पे ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, इसलिए डी इफेक्टिव पे हम शेयर चेक करते हैं। तो एटलीस्ट डी इफेक्टिव तक, जैसे आपका 1.4 है तो एक अप्रोक्सीमेशन पे आप 1.4 अपना सपोर्ट सेक्शन ले लो। तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, इसीलिए हो सकता है कि इसको 1.4 मिनिमम ले लो, बट हम अभी हमारे केस में लेते हैं 2 मीटर्स ताकि कैलकुलेशंस पड़े इजी। और ये टेपर्ड पोर्शन, इसकी जो वेरिएशन होती है वो 1:6 में होती है, ये दिया हुआ है IRC के ही एक कोड में। अब उसका एग्जैक्टली नाम क्या है वो मैं डिस्कशन में आपको दे दूंगा। आई थिंक IRC 22 में दे रखा है, जहाँ कॉम्पोजिट सेक्शन की बात होती है या PSC की बात होती है, तो उसमें ये 1:6 की टेपरिंग दे रखी है कि इस स्लोप से करोगे तो सही रहता है सिस्टम, मतलब ग्रेजुअल होता है। इससे ज्यादा भी अगर 1:8 कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हमने फुटिंग में देखा था 1:3 से 1:2 नहीं करना है, वैसे ही 1:6 से 1:5 नहीं करना चाहिए। और ये वही लोग नहीं करेंगे जिनको ये वैल्यू पता होगी, जिनको नहीं पता होगी वो बस कुछ भी कर देंगे, टेपर भी दे देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें सबको नहीं पता होती हैं, विद टाइम ही पता चलती हैं। तो एनीवेज इसको हम जैसे 2 मीटर्स ले रहे हैं और टेपर्ड जोन को हम ले रहे हैं, लेट्स से इसको भी हम ले लेते हैं 2 मीटर्स, 2 नहीं लेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ी अलग है, इसको हम ले लेते हैं 1.5 मीटर्स, ठीक है। तो टेपर्ड जोन इसको ले लेते हैं 2 मीटर्स, इसकी लेंथ ले लेते हैं 1.5 मीटर्स। अब इसकी लेंथ मुझे ना कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ से भी 2 मीटर सपोर्ट सेक्शन है, यहाँ से भी 2 मीटर सपोर्ट सेक्शन है, और यहाँ पे टेपर्ड जोन 1.5 मीटर है, यहाँ पे भी 1.5 मीटर है। तो करना कुछ भी नहीं है, 16 की जो टोटल लेंथ है, 16 में से माइनस कर दो आप 2 टाइम्स 2 प्लस 1.5, तो ये जो भी डायमेंशन आएगी यही तो मिड की डायमेंशन होगी। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है ये हम स्प्रेडशीट, चलो यहाँ लिख देते हैं एक बार। दिस विल बी इक्वल टू 16 माइनस 7, चैट बॉक्स में कंफर्म करो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 100 तो नहीं गए सारे, 0.5 का पेडिस्टल एंड गर्डर बॉटम 0.6, इज इट ओके? इस पे डिस्कशन करेंगे, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया ये क्या क्वेश्चन है। एक्सपेंशन गैप माइनस होगा, इसमें से माइनस होगा एक्सपेंशन गैप, ओके करेक्ट, 16 मीटर्स का जो है। तो एक्चुअल में फिर हमें ये जो मैं 2 मीटर्स बता रहा हूँ ये एक्सपेंशन जॉइंट से नहीं बता रहा हूँ आपको, ये चीज में कंफ्यूजन मत करो। तो 16 नहीं वहां पर आना चाहिए, ये 2 मीटर्स एक्चुअली इस गर्डर की लेंथ यहाँ से है, इस वाले पॉइंट से 16 मीटर्स नहीं होगा। तो 16 एक्चुअली फिर 14.5
कि आगे जितना गडर एक्सटेंड हुआ है जो कि 400 मीटर्स है, 400 मिलीमीटर्स है, वो आना चाहिए। तो ये सही पॉइंट रेज हो गया है, इसको मैं वापस से डिस्कस करता हूँ। ओके, तो ये आपकी बेरिंग पेडेस्टल पड़े हुए हैं और गर्डर जाता है थोड़ा सा आगे तक हमेशा, और इसके आगे यहाँ रिसेस बना होता है जहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट और गैप ये वाली चीजें होती हैं, इसको भूल जाओ। तो हमें बेसिकली गर्डर का तो ये वाला सेक्शन है ना, तो ये 2 मीटर्स है जो कि बेरिंग सेंटर से 14.5 जो था बेरिंग सेंटर टू सेंटर, उससे 0.4 और आगे एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, तो ये 14.5 प्लस 0.4 ऑन ईदर साइड, तो 14.5 प्लस 0.8 15.3, तो 15.3 यहाँ पे आना चाहिए। एक्चुअली ये आप कर सकते हो कैलकुलेट, सही पॉइंट रेज किया आपने, बट अगर आपके पास ऑलरेडी एक कैट की ड्राइंग पड़ी हो उससे बहुत ही जल्दी हो जाता है। बट एनीवेज इसको हम 15 पॉइंट कुछ लिखेंगे, 15.3, तो ये 15.3 होगा अगर मिड का हमें निकालना है। तो 15.3 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 8.3 आता है, तो ये 8.3 वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, अब हम इसको करते हैं स्प्रेडशीट के अंदर एंटर, बट यहाँ पर एक बार टोटल निकाल लेते हैं कि ये डायमेंशन आ रही है 8.3 फॉर इंटरमीडिएट, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 8. जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये 0.68 ले रहा हूँ मिड सेक्शन का। आप ये वेरी करो, ये देखो ये 0.9 है सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शन, सबसे थिक, फिर 0.8 है जो टेपर्ड जोन है, और उसके बाद सबसे कम है 0.68। तो वही जो मैं आपको बता रहा था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस करना चाहिए, एफिशिएंट सेक्शन बनेगा। और अब आप यहीं पे वॉल्यूम पहले निकालते हैं, वॉल्यूम से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये है सपोर्ट सेक्शन, ये है टेपर्ड सेक्शन, ये है मिड सेक्शन। सपोर्ट सेक्शन के लिए वॉल्यूम में कुछ नहीं करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है 0.905 इंटू आपके पास 2 मीटर्स का टोटल एक साइड है और 2 मीटर्स का एक साइड है, तो ये वॉल्यूम होगा 4 टाइम्स 0.905, 4 × 0.905 ये आता है 3.62, इसके यूनिट्स आएंगे क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब यहीं से क्लियर हो जाएगा कि कितना मटेरियल बचता है। और फिर टेपर जोन का 0.8 है, तो 0.8 हम ले रहे हैं और ये हम 1.5 हमने लिया हुआ है अभी, यस 1.5, तो 2 × 1.5 कर दूं, या 1.5 प्लस 1.5 एक ही बात है, तो 3 × 0.8 अगर मैं करता हूँ तो 2.4, आप देख रहे हो ना यहाँ पे रिडक्शन हुई है वॉल्यूम की। अब असली रिडक्शन आपको यहाँ दिखती अगर इसकी लेंथ कम होती, बट यहाँ लेंथ ज्यादा है, 8.3 है मिड सेक्शन की लेंथ, तो 8.3 टाइम्स यहाँ पहले क्रॉस सेक्शन एरिया लिखते हैं 0.68 × 8.3, एंड दिस वैल्यू इज 0.68 × 8.3 5.64 क्यूबिक मीटर। तो ये वैल्यू सही है ना, एक बार कंफर्म कर लेना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सपोर्ट सेक्शन ही दे देते मिड सेक्शन पे भी थ्रू आउट, तो ये वॉल्यूम कितना बढ़ता। तो उसके लिए मैं 0.68 को बस 0.905 लिख रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8.3 से, तो ये वैल्यू बढ़ती 7.5 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इससे वॉल्यूम तो बड़ा ही है, 2.5 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ज्यादा ही है, तो मतलब एक छोटे 15-16 मीटर स्पैन के लिए। और इसीलिए तो टेपरिंग की जाती है कि ये वैल्यूज कम हो जाएं और मटेरियल सेविंग हो, और एक्चुअल में ये अच्छी अप्रोच है भी। तो ठीक है, इस सबको अब हमें क्या करना है, ये एक गर्डर का है, 3 ऐसे और गर्डर है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं आपको स्प्रेडशीट में लेके जाता हूँ, स्प्रेडशीट में जाने के बाद अगर आपको स्प्रेडशीट डिस्प्ले हो रही है तो यहाँ पे ना इसको पेस्ट कर देते हैं। और अब यहाँ आते हैं हम गर्डर्स, ठीक है, तो ये 3 टाइम्स होगा क्योंकि 3 गर्डर्स हैं जो भी हमारे पास अभी वॉल्यूम आने वाला है। तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा इसमें, टोटल वॉल्यूम जो हमने अभी कंप्यूट किया है 3.62 प्लस 2.4 प्लस 5.64, ये आ गया टोटल वॉल्यूम एक गर्डर का। इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से क्योंकि 3 गर्डर हैं, और 25 से मल्टीप्लाई करना है जो कि यूनिट वेट है। तो आप देखो ये कैसे कट होगा,
ये इस वॉल्यूम के यूनिट्स क्यूबिक मीटर है, तो ये क्यूबिक मीटर में एज इट इज आ गया, और ये किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है 25, तो टोटल लोड आएगा किलो न्यूटन जो है 874। अब आपने अभी गर्डर दिया है तो ये 874 आया है। मान लो मैं डेक स्लैब जो दे रहा हूँ और अभी 1.4 की डेप्थ पे गर्डर दिया है, अगर इसकी डेप्थ 0.22 ना रह रह के मैं 1.4 कर देता, अगर सिंपली सॉलिड डेक स्लैब पड़ी होती, तो देखो ये वैल्यू कहाँ जा रही है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए भाई गर्डर देते हैं अगर 10-15 मीटर, 10-12 मीटर से बड़ा स्पैन हो। तो ये मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस अज्यूम किया है कि एक केस में सॉलिड डेक स्लैब है जिसकी थिकनेस 1.4 है, और एक केस में नॉर्मल बीम प्लस गर्डर डेक स्लैब है। तो यार इतना लोड बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 3 क्या 4 टाइम्स हो रहा है। चेक ही कर लेते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस 3 टाइम्स होगा, समथिंग 3.84 आ रहा है ना नीचे, तो 3 टाइम्स ही है ये, बट ये शो क्यों नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, तो यार बहुत ही क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि 10-11 मीटर के आगे सॉलिड डेक स्लैब ना कभी प्रपोज करना, ना कभी बनाना। अगर कॉन्ट्रैक्टर को भाई कोई अपने मतलब पैसे वैसे की परवाह नहीं है तो आप बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअल में वो एक एफिशिएंट डिज़ाइन नहीं होगा। तो इसको वापस से हम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं, जो वैल्यूज एक्चुअल में थी। अगर मैं 0.22 ही लेता हूँ तो ये 5.8 रहेगी। ठीक है, ये वाली चीज़ भी हो गई। तो इसके साथ आपने सुपरस्ट्रक्चर का सिर्फ डेड लोड एनालिसिस कर लिया है। अब मेन चीज रहेगी ये वाले डिस्टेंस क्या होने वाले हैं, और अभी इस सेशन को हम यहाँ पे करेंगे क्लोज।